Hello everyone, this class is presented to you by DIDMI IES. In the previous classes, we have started with chapter 2 and we have discussed various independent states. We have discussed Hyderabad, Mysore, the Sikh, how they occupied and enlarged the area under them, and also we discussed Kerala, Carnatic region, and now we will be discussing the rise and fall of the Maratha power. So the most important challenge to the decaying Mughal power came from the Maratha kingdom, which was the most powerful of the succession states. So among all these independent states, ये जो Marathas का kingdom था, उसको सबसे ज़्यादा powerful बोला जाता था. In fact, एक time पे ये भी लग रहा था कि ये जो Mughal empire, when it will finish, जो Marathas हैं, वो rule करेंगे. Maratha kingdom जो है, वो पूरे वो actual में now they will start ruling. ये जो एक political vacuum बना दिया था Mughal empire ने, एक जो क्योंकि उनके जो एम्परर्स थे दे वर नॉट गुड इनफ नाउ, तो एक वैक्यूम बन गया था. तो वो सोचा जा रहा था कि ये जो वैक्यूम है, ये जो एक स्ट्रॉन्ग मराठा किंगडम है, वो इस वैक्यूम को फिल करेगा. बट ये जो मराठा किंगडम था, इनमें भी आपस में काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि उनके अंदर यूनिटी नहीं थी. जैसे कि हमने राजपूत के केस में देखा, वो लोग आपस में डिसिप्लिनड नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा छोटी मोटी बातों पर उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी. आपस में उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी. इन द सेम वे मराठास जो थे, दे आल्सो लैक्ड यूनिटी. उनके अंदर ये जो एक विजन चाहिए था ना, एक ऑल इंडिया एम्पायर बनाने का, मराठा किंगडम को ऑल इंडिया एम्पायर बनाने के लिए जो एक विजन चाहिए था, वो उनमें था भी, लेकिन कुछ उनकी काफी ज्यादा कमियां थी उनके अंदर, जैसे कि यूनिटी नहीं थी तो, और करप्शन था. उस वजह से ये जो ड्रीम था उनका, वो बीच में रह गया था. एंड सो दे फेल्ड टू रिप्लेस द मुगल्स. दे डिड हाउएवर सक्सीडेड इन वेजिंग कंटिन्यूअस वॉर अगेंस्ट द मुगल एम्पायर टिल दे डिस्ट्रॉयड इट. शाहू ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी हैड बिन अ प्रिजनर इन द हैंड्स ऑफ औरंगजेब सिंस 1689. तो हम सबको पता है कि शिवाजी ही वॉज अ ग्रेट मराठा रूलर. तो उनके जो सन थे शाहू, वो औरंगजेब के प्रिजनर थे 1689 तक. औरंगजेब हैड ट्रीटेड हिम एंड हिज मदर विद ग्रेट डिग्निटी, ऑनर एंड कंसिडरेशन, पेइंग फुल अटेंशन टू देयर रिलीजियस कास्ट एंड अदर नीड्स, होपिंग परहैप्स टू अराइव एट अ पॉलिटिकल अग्रीमेंट विद शाहू. शाहू वॉज रिलीज्ड इन 1707 आफ्टर औरंगजेब्स डेथ. तो शाहू ने कोई भी एक पॉलिटिकल अग्रीमेंट नहीं किया औरंगजेब के साथ, एंड फाइनली आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707 शाहू वॉज रिलीज्ड. और उसके बाद ही एक सिविल वॉर ब्रेकआउट हो गया. हमने बोला ना मराठास में यूनिटी नहीं थी, तो जैसे ही एक तरफ तो थे शाहू ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, दूसरी तरफ थे उनकी जो आंट थी ताराबाई एट कोल्हापुर, तो वो एजर्ट करना चाहती थी पावर, और दूसरी की जगह थे शाहू. तो कुछ लोग शाहू के साथ थे, कुछ ताराबाई के साथ थे, तो इस वजह से इनके आपस में ही जो सिविल वॉर्स थे वो स्टार्ट हो गए. वेरी सून अ सिविल वॉर ब्रेक आउट बिटवीन शाहू एट सतारा एंड हिज आंट ताराबाई एट कोल्हापुर, हु हैड कैरिड आउट एन एंटी मुगल स्ट्रगल सिंस 1700 इन द नेम ऑफ हर सन शिवाजी टू आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड राजा राम. So arising out of the conflict between Shahu and his rival at Kolhapur, a new system of Maratha government was evolved under the leadership of Balaji Vishwanath, the Peshwa of King Shahu. तो इसी बीच चलते चलते एक नया सिस्टम, जिसको हम पेशवाशिप भी कहते हैं, पेशवा बेसिकली जो एक मराठा जो रूलर होते थे उनके एक साथ में रहते थे उनके, बट अगर एक पेशवा के लिए एक वर्ड हो तो जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो पेशवा एक मुख्य प्रधान थे, चीफ मिनिस्टर थे. तो जब ये वॉर्स वगैरह चल रहे थे, तो जो पेशवा का जो एक पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई, इतनी प्रोमिनेंट हो गई कि जब शाहू की डेथ भी हुई, तो उसके बाद पेशवा का जो ऑफिस था वो एक काफ़ी ज़्यादा एक जितनी एक
एक मराठा किंग की पावर्स थी, उतनी ही सारी पावर्स पेशवा के पास आ गई थी। तो ये एक नया सिस्टम शुरू हो गया था और इस पीरियड को क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ पेशवा डोमिनेशन इन दी मराठा हिस्ट्री। तो काफी ज्यादा पेशवाज आए, उनके बारे में नाउ वी विल स्टडी द राइज ऑफ पेशवाशिप। पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, हु रूल्ड फ्रॉम 1712 टू 1719। ही रेंडर्ड शाहू लॉयल एंड यूजफुल सर्विस इन सप्रेसिंग हिज एनिमीज। ही एक्सेल्ड इन डिप्लोमेसी एंड वन ओवर मेनी ऑफ द मिग मराठा सरदार्स टू शाहूज कॉज। इन 1713 शाहू मेड हिम पेशवा और द मुख्य प्रधान, जो कि चीफ मिनिस्टर कहते हैं जैसे कि हम। बालाजी विश्वनाथ ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड शाहूज होल्ड एंड हिज ओन ओवर मराठा सरदार्स एंड ओवर मोस्ट ऑफ महाराष्ट्र एक्सेप्ट फॉर द रीजन साउथ ऑफ कोल्हापुर वेयर राजा राम्स डिसेंडेंट्स रूल। तो जहाँ पे वो जो ताराबाई हमने पढ़ा, तो वहाँ पे जो उनके सपोर्टर्स थे वो वहाँ वो उस रीजन में थे। बाकी सारे रीजन में बालाजी विश्वनाथ ने शाहू की पूरी सपोर्ट के साथ, सब चीज़ के साथ उन्होंने एक अच्छा होल्ड बना के रख लिया था। द पेशवा कॉन्सेंट्रेटेड पावर इन हिज ऑफिस एंड एक्लिप्स्ड द अदर मिनिस्टर्स एंड सरदार्स। इनफैक्ट ही एंड हिज सन बाजीराव वन मेड द पेशवा द फंक्शनल हेड ऑफ द मराठा एम्पायर। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने सारी जो पावर्स थी ना, जो बाकी मिनिस्टर्स थे उनको बहुत नॉमिनल सी पावर्स देते थे, जो मेन पावर्स थी, इफेक्टिव पावर्स थी, वो उन्होंने खुद के ऑफिस को देना शुरू कर दिया। एक फंक्शनल हेड बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने पेशवा को। इन 1719 बालाजी विश्वनाथ एट द हेड ऑफ द मराठा फोर्स अकम्पनीड सैयद हुसैन अली खान टू दिल्ली एंड हेल्प्ड द सैयद ब्रदर्स इन ओवर थ्रोइंग फारूक सियार। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है पावरफुल हो गए थे। फॉर द एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ द चौथ एंड सर देशमुखी ऑफ द डेक्कन बालाजी विश्वनाथ असाइंड सेपरेट एरियाज टू मराठा सरदार्स हु केप्ट द ग्रेटर पार्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन फॉर देयर एक्सपेंसेस। तो ये जो टैक्सेस थे, सरदेशमुखी था, चौथ था, तो ये जो सारे टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए भी एक अच्छा सिस्टम बनाया, ताकि फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो सके एम्पायर का। अब ये जो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, ही डाइड इन 1720। ही वॉज सक्सीडेड एज पेशवा बाय हिज 20-year-old सन बाजीराव वन। तो बाजीराव वन वो थे एज अ पेशवा फ्रॉम 1719 टू 1740। इन स्पाइट ऑफ हिज यूथ बाजीराव वॉज अ बोल्ड एंड ब्रिलियंट कमांडर एंड एन एम्बिशियस एंड क्लेवर स्टेट्समैन। तो उनको ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गोरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी। तो गोरिल्ला वॉरफेयर होता था, छुप के वॉर करते थे, तो उसमें इनको शिवाजी के बाद इनको ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट बोला जाता है गोरिल्ला टैक्टिक्स का। बाय 1740 व्हेन बाजीराव डाइड द मराठाज वन कंट्रोल ओवर मालवा गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड। द मराठा फैमिलीज ऑफ गायकवाद होलकर सिंधिया एंड भोंसले केम इन टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो चार पांच फैमिलीज थी मराठास की, ये प्रोमिनेंट होने लगी। इन 1733 बाजीराव स्टार्टेड अ लॉन्ग कैंपेन अगेंस्ट द सिद्दीज ऑफ जंजीरा एंड इन द एंड एक्सपेल्ड देम फ्रॉम द मेनलैंड। साइमल्टेनियसली अ कैंपेन अगेंस्ट द पोर्चुगीज वाज स्टार्टेड। बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहेब भी कहते हैं, ही रूल्ड फ्रॉम 1740 टू 1761। ही वॉज एज एबल एज हिज फादर दो लेस एनर्जेटिक। किंग शाहू डाइड इन 1749 एंड बाय हिज विल लेफ्ट ऑल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स इन दी पेशवाज हैंड्स। तो जब किंग शाहू की डेथ हो गई, तो उन्होंने जो पेशवा को था उनको डी फैक्टो रूलर बना दिया स्टेट का। डी फैक्टो का मतलब होता है बाय फैक्ट, राइट है नहीं है, बाय फैक्ट पेशवा जो है उसको जो मेन रूलर था वो बना दिया था। नाउ ही बिकेम द ऑफिशियल हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज अ सिंबल ऑफ दिस फैक्ट शिफ्टेड द गवर्नमेंट टू पूना हिज हेडक्वार्टर्स। तो अब क्योंकि डी फैक्टो रूलर बना दिया था, तो ऑब्वियसली सारे डिसीजन अब पेशवा के हाथ में आ गए थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट शिफ्ट कर दी थी उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ, पूना में। बालाजी बाजीराव फॉलोड इन द फुटस्टेप्स ऑफ हिज फादर एंड फर्दर एक्सटेंडेड द एम्पायर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, टेकिंग मराठा पावर टू इट्स हाइट्स।
मराठा आर्मीज नाउ ओवररन द होल ऑफ इंडिया. सोचो इतना ज्यादा ये जो पेशवा का ऑफिस था, इतनी इफेक्टिवली इन्होंने सब काम किया कि ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था. अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट फॉर मास्टरी ओवर नॉर्थ नॉर्थ इंडिया नाउ बिगैन. अहमद शाह अम्दाली सून फॉर्मड एन अलायंस विद नजीब उद दौला ऑफ रोहिलखंड एंड शुजाउ दौला ऑफ अवध, बोथ ऑफ होम हैड सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द मराठा सरदार्स. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, अवध के रूलर्स थे, हैदराबाद ठीक है, बंगाल था, रोहिलखंड हमने पढ़ा, तो काफ़ी ये इंडिपेंडेंट रूलर्स थे. तो अब ये जो अहमद शाह अब्दाली थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो रोहिलखंड का रूलर था नजीबुद्दौला और जो अवध का रूलर था शुजाउद्दौला, क्योंकि मराठास ने इनको भी हराया था, तो अहमद शाह अब्दाली जो कि इन्वेडर था, उसने इन दोनों के साथ मिलके मराठास की अगेंस्ट क्या है, एक वॉर स्टार्ट किया. तो उधर से मराठास ने भी अपनी एक पावरफुल आर्मी डिस्पैच करी. एन इम्पॉर्टेंट आर्म ऑफ दिस फोर्स वॉज अ कंटिजेंट ऑफ यूरोपियन स्टाइल इन्फेंट्री and artillery commanded by Ibrahim Khan Gardi. The two forces met at Panipat on 14th January 1761. The Maratha army was completely routed. तो ये था the third battle of Panipat जो कि 14th January 1761 को हुआ था. किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली जो कि रोहिलखंड के ruler और अवध के शुजाउद्दीन के साथ मिलके उन्होंने किसके against लड़ा था? Marathas के against. और में मराठास दे लॉस्ट द बैटल. तो इसके बाद ये हुआ था कि जो मराठास थे कंप्लीटली उनका जो क्या है डाउनफॉल हो गया था. द पेशवा हु वॉज मार्चिंग नॉर्थ टू रेंडर हेल्प टू हिज कजन वॉज स्टंड बाई द ट्रेजिक न्यूज. ऑलरेडी सीरियसली इल हिज एंड वॉज हास्टेन एंड ही डाइड इन जून 1761. तो पेशवा की भी अब डेथ हो गई थी. द मराठा डिफीट एट पानीपत वॉज अ डिजास्टर फॉर देम. मोस्ट ऑफ ऑल देयर डिफीट गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंसॉलिडेट इट्स पावर इन बंगाल एंड साउथ इंडिया. तो जैसे कि हमने पहले देखा कि जो मराठा थे ना, वही एक पॉलिटिकल वैक्यूम फिल कर सकते थे. अगर मराठा एक ऑल इंडिया एम्पायर बना लेते, एक प्रॉपरली कंसोलिडेट कर लेते अपनी पार को, तो हो सकता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो अच्छे से लड़ लेते, सब कुछ हो जाता. बट क्योंकि इनकी भी डिफीट हो गई, तो फिर इंग्लिश को भी एक मौका मिल गया था अपनी ऑटोनॉमी को एजर्ट करने का, अपनी पावर को एजर्ट करने का. फिर नेक्स्ट पेशवा आते हैं माधवराव. विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ 11 ईयर्स ही रिस्टोर्ड द लॉस्ट फॉर्च्यून्स ऑफ द मराठा एम्पायर. ही डिफीटेड द निजम, कंपेल्ड हैदर अली ऑफ मैसूर टू पे ट्रिब्यूट एंड रीअसर्टेड कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया बाय डिफीटिंग द रोहिलियाज एंड सब्जुगेटिंग द राजपूत स्टेट्स एंड द जाट चीफ्स. तो ये जो माधवराव थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दोबारा से मराठा एम्पायर को जो है वो अच्छे से खड़ा कर दिया. In 1771, the Marathas brought back to Delhi Emperor Shah Alam, who now became their pensioner. Thus, it appeared as if Maratha ascendancy in the north had been recovered. तो ऐसा फील होने लग गया कि हाँ, अब माधव राव की हेल्प से सब कुछ मराठास का जो है वो वापस से उनका जो एम्पायर है वो रिकवर हो जाएगा. बट अगेन एक बहुत ज़्यादा बड़ा सेटबैक आया when माधव राव ही डाइड ऑफ कंजम्पशन इन 1772. द मराठा एम्पायर वॉज नाउ इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. अब मराठा जो माधव राव थे पेशवा, उनकी तो डेथ होगी, अब आगे कौन पेशवा बनेगा? तो एक स्ट्रगल, वही एक जैसे हमने पहले देखा वॉर फॉर सक्सेशन जो होती थी, उसकी वजह से ही मेन तो ये जो सारे एक स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक तो यही था. तो अब सेम चीज़ हुई कि माधव राव की डेथ के बाद एक फिर से देयर वॉज अ स्ट्रगल फॉर पार. किस किस के बीच में? रघुनाथ राव जो कि किसका यंगर भाई था, ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ बालाजी बाजीराव, हमारे प्रीवियस पेशवा. तो एक साइड थे रघुनाथ राव और दूसरी साइड थे नारायण राव. नारायण राव कौन थे? ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ माधव राव. तो बेसिकली एक साइड थे रघुनाथ राव और दूसरी साइड थे नारायण राव. अब नारायण राव, ही वॉज किल्ड इन 1773. अब मौका, ही वॉज
स्किल्ड अब मौका मिलना चाहिए था रघुनाथ राव को, लगता था कि अब उनको मौका मिलेगा क्योंकि नारायण राव डाइड, बट मौका किसको मिला, नारायण राव के जो सन थे सवाई माधव राव उनको मौका मिला, और इस वजह से रघुनाथ राव ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वेंट ओवर टू द ब्रिटिश एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। इसकी वजह से अब इस बीच में जो रघुनाथ राव थे वो ब्रिटिश के पास चले गए और ऐसे ही हुआ जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें रघुनाथ राव ने किसको सपोर्ट किया था, ब्रिटिश को। अब ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ये सारे जो है हम अलग से क्लासेस में इन वॉर्स को डिटेल में वी विल बी स्टडिंग। At Pune, there was constant intrigue between the supporters of Savai Madhav Rao, headed by Nana Phadnis, and the partisans of Raghunath Rao. तो एक तरफ Savai Madhav Rao के supporters थे और दूसरी तरफ Raghunath Rao के supporters थे. In the meanwhile, the big Maratha sardars had been carving out semi-independent states in the north, which could seldom cooperate. तो same way जैसे Mughal Empire weak हुआ तो सबने अपने independent states बनाने शुरू कर दिए, सेम वे यहाँ जब मराठा सरदार्स वीक हुए तो बाकी मराठा रूलर्स जब वीक हुए तो जो बड़े बड़े मराठा सरदार्स थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि गायकवाद एट बरोडा, भोंसले एट नागपुर, होलकर एट इंदौर एंड सिंधिया एट ग्वालियर। तो ये जो क्वेश्चन है आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, जैसे गायकवाद का कौन सी जगह है, बरोडा, भोसले का नागपुर, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार ये मैच द कॉलम्स में आ जाता है। Their allegiance toward the Peshwas became more and more nominal. Instead, they joined opposing factions at Pune and intrigued with the enemies of the Maratha Empire. तो जैसे ही हमने starting में देखा था Marathas they lacked unity. तो इसीलिए अब यही इन्होंने अपने independent states बनाने शुरू कर दिए और जो enemies थे, रघुनाथ राव था जो British के पास चला गया था, तो इन्होंने उनके साथ मिलना शुरू कर दिया था जो बाकी के strong Maratha सरदार थे। तो इस वजह से वापस जो हमने देखा था कि मराठा जो एम्पायर था दोबारा खड़ा हो सकता था, दोबारा सक्सेसफुल हो सकता था, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि मराठास के बीच में यूनिटी नहीं थी, बिल्कुल भी उनके बीच में यूनिटी नहीं थी। सवाई माधव राव डाइड इन 1795 एंड सक्सीडेड बाय द अटरली वर्थलेस बाजीराव टू, सन ऑफ रघुनाथ राव। तो अब सवाई माधव राव की भी डेथ हो गई और उनको सक्सीड किसने किया, रघुनाथ राव के जो एक सन थे, एंड ही वॉज कंसिडर्ड रियली वर्थलेस, ही वॉज बाजीराव टू। द ब्रिटिश हैड बाय नाउ डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू मराठा चैलेंज फॉर देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया। अब ब्रिटिश को रियलाइज हो गया कि अब के जो रूलर हैं बाजीराव टू वो तो बिल्कुल ही इज वर्थलेस, सो द ब्रिटिश हैड नाउ डिसाइडेड दैट येट यस नाउ वी विल पुट एन एंड टू एवरीथिंग, वी विल पुट अ फाइनल एंड टू द मराठा चैलेंज। द ब्रिटिश डिवाइडेड द म्यूचुअली वेयरिंग मराठा सरदार थ्रू क्लेवर डिप्लोमेसी एंड देन ओवर पावर्ड देम इन सेपरेट बैटल्स ड्यूरिंग द सेकेंड मराठा वॉर, जो कि हुई थी 1803 से लेके 05 के बीच में, एंड देन थर्ड मराठा वॉर विच टुक प्लेस फ्रॉम 1816 टू 1819. While other Maratha states were permitted to remain as subsidiary states, the House of Peshwa was extinguished. तो इन ये सारे Maratha wars हुए और finally जो Marathas थे वो पूरी तरह से हार गए और ये जो Peshwa का office था उसको Britishers ने खत्म कर दिया था। Thus, the Maratha dream of controlling the Mughal Empire and establishing their own empire over large parts of the country could not be realized. This way, Maratha ki jo dream thi ek all India empire banane ki, wo dream unki puri nahi ho pai. This is because the Maratha Empire represented the same decadent social order as the Mughal Empire did and suffered from the same underlying weaknesses. They were even less disciplined than the Mughal nobles. तो जो हमने first chapter में पढ़ा था कि जो Mughal nobles थे वो काफ़ी ज़्यादा corruption था, luxuries वो ज़्यादा enjoy करते थे, disciplined नहीं थे, तो same way Marathas में भी ये same weaknesses थी. They failed to encourage science and technology
टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया. लाइक द मुगल्स, द मराठा रूलर्स वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रेजिंग रेवेन्यू फ्रॉम दी हेल्पलेस पीजेंट्री. तो इन सब चीज़ों में एक पीजेंट्री का ऑपरेशन करना, उनको क्रुएल्टी से रेवेन्यू कलेक्ट करना, तो ये सारी वीकनेसेस जो मुगल एम्पायर में भी थी वो मराठा एम्पायर में भी थी. इस वजह से वो सक्सीड नहीं कर पाए.